जहां एक ओर सरकार प्रदेश भर में गांव गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायतों में गंदगी के अंबार लगे हैं और गांव के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें लक्सर विकासखंड के बसेड़ी गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के सामने की है, जहां गंदगी के अंबार लगा है और नालियों का गंदा पानी विद्यालय के सामने सड़क पर जमा है, जिस कारण विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी इसी गंदगी से होकर विद्यालय जाने पर मजबूर हैं। विद्यालय के सहायक अध्यापक अमित शर्मा का कहना है कि विद्यालय की ओर से कई बार इस गंदगी की सफाई खुद पैसे देकर कराई गई है, ग्राम प्रधान से भी इस गंदगी के समाधान के लिए कहा गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के सामने सड़क पर गंदा पानी भरा रहता है, जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। गांव में गंदगी रहने के कारण डेंगू से पीड़ित रह चुका है। इस मामले को लेकर लक्सर खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसके समाधान के लिए उनके द्वारा ग्राम प्रधान को निर्देश दिए हैं। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल है, यहाँ पानी भरा रहता है और यहाँ पे अच्छे बड़े आदमी आते हैं और सब गारे पानी में को चल के जा रहे हैं और ये बहुत बुरी, इसकी वजह से हमारा गांव पहले भी डेंगू में रहा है कुछ दिनों, क्यों जी, और जो बच्चे परेशान हैं कई दिनों से, सभी जो भी आते हैं वही बंट के जाते हैं यहाँ से। ये देखो क्या है, ये ना कार्रवाई प्रधान देखता है ना कोई देखता है, यहाँ से कोई भी नहीं देखता है, गांव बिल्कुल इन्होंने सारा ही बेकार कर रखा है यहाँ से। साहब यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, यहाँ को बच्चे डूब रहे हैं, यहाँ को कहाँ को जाओगे, किस तरीके से निकलना चाहिए, यहाँ जब प्रबंध करोगे तो भी आओगे। बच्चा कहाँ एक 10 गया, गिर गया, दो परसों गिर गए थे, यहाँ से उन्होंने धोए नुहा धोए फिर हट के आना, ये अच्छी बात नहीं है इनकी, ना मैडम कह सको ना ये कह सको, कोई दिक्कत नहीं आई ना, इन्होंने कहा जहाँ कुछ ना चल लो, ईंट भी दरवा दी, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, ये आदमी गंदगी में कुछ जा रहे कहाँ से जाएंगे, या तो फिर कहीं को दूसरी समा बनाओ या फिर भाई मट्टी गिराओ थोड़ी बहुत ही। तो मैं कहा आप वहाँ पर पानी भर जाता है उसे देख लेना, तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं जल्द से जल्द कराने के ऊपर। तो अब इस पर कैसे कार्रवाई होती है, अब एक बार प्रधान जी से भी मिल लेंगे हम जाके, तो हम भी चाहते हैं कि साफ रहे, बच्चे जो हैं वो आराम से आ जाएं, क्योंकि बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो सबसे बड़ी बात है इसमें आंगनबाड़ी के बच्चे आते हैं। तो उन्होंने आसान कि हफ्ते हफ्ते के अंदर से कराते हैं, तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उसके बाद विभाग को भी एक दिन मैडम जो है वो अभी बैंक के काम से गई हैं, जैसे वो कहते कि एक बार उसमें भी हम जो है सूचना दे देंगे। सुबह आज इसका संज्ञान आया है, हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य मोनू कुमार जी द्वारा सुबह आकर ये शिकायत की गई कि स्कूल के पास वाले तालाब का पानी ओवरफ्लो होने के पश्चात सड़क पर घूम रहा है, जिससे छोटे बच्चों को आवाजाही में और ग्रामवासियों को आवाजाही में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे द्वारा अभी प्रधान को फ़ोन पर निर्देश दिए गए हैं कि वो कल से इस पर काम लगाकर तुरंत इसकी व्यवस्था को ठीक करें, जिससे गांव के बच्चों को उनको नुकसान न हो, रास्ते में बच्चे गिरने से उनके शारीरिक स्वास्थ्य भी फर्क पड़ेगा और गांव में गंदगी भी दूर होगी, उससे अगर साफ सफाई करवाते हैं। तो प्रधान द्वारा आश्वासन दिया गया कि कल से इस पर कार्य लगाकर सफाई करवाई जाएगी।